जोकर 2019 में रिलीज एक डिस्टर्बिंग अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो आपके दिमाग को पूरी तरह से हिला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर टॉड फिलिप ने हमारी सोसाइटी का असली चेहरा हम सब के सामने लाकर रख दिया है। 122 मिनट लंबी इस फिल्म में जोकर के ओरिजिन की कहानी बताई गई है, जिसमें आर्थर फ्लैक किस तरह से जोकर बना ये बताया गया है। 2021 में इसका सीक्वल बैटमैन के साथ का दिखाया जाएगा। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 8.2 है एंड इज वर्थ वॉचिंग मूवी। मूवी का लीड आर्थर बचपन से एक दुखी बच्चा रहता है। इवेंचुअली बड़े होने के बाद यह दुख डिप्रेशन में बदल जाता है। वो अपनी माँ पेनी फ्लैग के साथ गॉथम शहर में रहता है। जी हाँ, वही गॉथम शहर जिसे हमने बचपन में बैटमैन के कार्टून्स या मूवी में देखा था, जहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है। इस मूवी में हालात और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहाँ सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है, एक तो अमीर जो गरीब लोगों को कचरे के समान ट्रीट करते हैं और दूसरे गरीब जो अपने इस हालात के लिए अमीर लोगों को ब्लेम करते हैं। गरीब लोग अमीरों से इतना चिढ़ते हैं कि वे उन्हें अपने फायदे के लिए मारने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में इन लोगों को बस एक चिंगारी चाहिए जिससे यह पूरी सिचुएशन को एक घटना में बदल सके। आर्थर को डिप्रेशन के साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, जिसके कारण वह गलत समय पर जोर जोर से हंस पड़ता था। वह इसका ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट काउंसलर से कराता रहता है जो फ्री में काउंसलिंग करती है और डिप्रेशन की दवाइयां भी देती है। आर्थर एक कंपनी के लिए कॉमेडियन का काम करता है। उसी कंपनी में उसके साथ और भी दो तीन लोग कॉमेडियन का काम करते हैं, लेकिन उसकी दिमागी हालत के कारण उसके पास रहने से डरते हैं और कुछ लोग तो उसे हमेशा बुली करते रहते हैं। एक दिन ऐसे ही काम करते करते कुछ बच्चे आर्थर को बहुत पीटते हैं और उसने जो साइन बोर्ड पकड़ा रहता है उसे तोड़ देते हैं, जिसके कारण उसका बॉस उसे बहुत भरा बुरा कहता है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका एक कलीग जिसका नाम रैंजल रहता है, वह उसे एक गन रखने के लिए दे देता है। आर्थर के मना करने पर वह उसे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखने के लिए कहता है, जो कि आर्थर बाद में मान जाता है। उसी शाम को आर्थर जब घर लौटता है तब उसे अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में एक फ्रेंडली चेहरा मिलता है जिसका नाम सोफी रहता है। सोफी आर्थर की न्यू नेबर होती है। वह एक सिंगल मदर होती है जिसकी एक छोटी सी बेटी रहती है। आर्थर घर में अपनी माँ के साथ हमेशा मूरे फ्रैंकलिन का कॉमेडी शो देखता था, जो कि दोनों ही माँ बेटे का फेवरेट शो हुआ करता था। आर्थर की जिंदगी में अगर कोई चीज अच्छी थी तो वह मूरे फ्रैंकलिन ही था, जिसे देखकर आर्थर स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए इंस्पायर होता रहता था। आर्थर के लिए मूरे एक फादरली फिगर होता है। उसे देखकर वह काफी कुछ सीखता था, नोट्स बनाता था और अकेले में मिरर के सामने स्टैंड अप कॉमेडी का प्रैक्टिस करता रहता था। वही आर्थर की माँ पेनी अक्सर थॉमस वैन नामक एक शख्स को हमेशा लेटर लिखा करती थी, जिसके पास वह 30 साल पहले हाउसकीपिंग का काम करती थी। लेटर्स में वह हमेशा अपने घर की फाइनेंशियल हालत के बारे में बताती थी और कुछ पैसों की उम्मीद करती थी, लेकिन ना कभी लेटर का जवाब आया और ना कभी किसी पैसे की उम्मीद आई। उधर आर्थर को जॉब पे उसके बॉस ने जोकर के गेटअप में हॉस्पिटल जाकर वहां पे एडमिट बच्चों के लिए शो करने के लिए कहा, बट अल्टीमेटम देते हुए कि अब कोई नुकसान या शिकायत हुई तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। बॉस की बातों को मानते हुए आर्थर जोकर के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में बच्चों को एंटरटेन करने चला जाता है। वहीं परफॉर्मेंस के दौरान उसके पॉकेट से गन नीचे गिर जाती है, जिस पर आर्थर को हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। जब ऑफिस में उससे इसके बारे में पूछा जाता है तो आर्थर कहता है कि ये गन रैंडल ने दी है, बट वहीं रैंडल मुकर जाता है और झूठ कहता है कि वह गन आर्थर की है एंड वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इस पे आर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। आर्थर अपने जॉब जाने से काफी डिप्रेस हो जाता है और घर लौट रहा होता है। उसे काफी लेट हो गया रहता है। वह जिस ट्रेन के डब्बे में होता है वहां तीन लोग जो कि वैन एंटरप्राइजेस के होते हैं, वे एक लड़की को छेड़ने लगते हैं। अब उस डब्बे में उन लोगों के अलावा होता है सिर्फ आर्थर अपने जोकर के कपड़े और मेकअप में। उसके उस बीमारी के कारण
वह इस सिचुएशन पर जोर जोर से हंसने लगता है। लड़की तो वहां से निकल जाती है, लेकिन वे तीनों आर्थर को मारने लगते हैं। अपने बचाव के लिए आर्थर अपनी गन से इन तीनों को शूट कर देता है। काफी रात हो गई रहती है, तो वहां कोई आई विटनेस नहीं होता। लेकिन जब आर्थर स्टेशन से भाग रहा होता है, तभी कुछ लोग उसे देख लेते हैं। अब यह बात न्यूज में फैल जाती है कि जोकर का पहनावा पहनकर एक किलर तीन अमीरों को मारकर फरार है। तो इस तरह गॉथम शहर के लोगों को जिस चिंगारी का इंतजार था, वह उन्हें मिल जाती है। वे लोग पूरे शहर में जोकर का मास्क पहनकर रास्ते पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और इस तरह अमीर लोगों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। आर्थर को उसी दौरान पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो फ्री काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया था और जिसके तहत वह डॉक्टरों से अपनी काउंसलिंग करा रहा था, वह बंद करा दिया गया है, जिसके कारण उसका ट्रीटमेंट वहीं रुक जाता है और उसे दवाइयां भी नहीं मिलती। अब बात करते हैं थॉमस वेन की। जी हाँ, वही जिसे पैनी हमेशा लेटर लिखा करती थी। वेल, थॉमस वेन गॉथम शहर का एक बिलियनियर एंड पॉलिटिशियन होता है, जो कि मेयर की कुर्सी के लिए लड़ रहा होता है। उसकी वाइफ होती है मार्था, और उसे एक 10 साल का लड़का रहता है जिसका नाम है ब्रूस वेन। थॉमस वेन के हिसाब से गॉथम शहर में बढ़ रहे क्राइम और गरीबी का हल सिर्फ एक ही है कि उसे मेयर बना दिया जाए। फिर वह गरीब लोगों को हटाकर शहर की पूरी समस्या को ही हटा देगा। कुछ ऐसे विचारधारा वाला है थॉमस वेन। अभी तक हमने थॉमस को ब्रूस वेन यानी बैटमैन के नजरिए से देखा था कि वह एक काफी शरीफ इंसान है और गॉथम शहर के हित में सारी चीजें चाहता है। लेकिन यहाँ पर उसके नकाब के पीछे का असली चेहरा हमें दिखता है। एक बार एक रिपोर्टर उससे पूछता है, ट्रेन में मर्डर करने वाला कोई जोकर था, इस पे उसके बारे में उसका क्या कहना है? तो वह कहता है कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, अपने लाइफ में तो उन्होंने कुछ हासिल किया नहीं, इसलिए वे अमीर लोगों को टारगेट बना रहे हैं, उनके पीछे लग रहे हैं, क्योंकि वह अमीर लोगों से जलते हैं। मेरे जैसे लोगों ने मेहनत करके पैसा हासिल किया है, इसके जैसा किलर ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसे ही नहीं उनको जोकर कहते हैं। थॉमस वेन के इस स्टेटमेंट के कारण लोगों में गुस्सा और भी बढ़ जाता है और लोग इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस इंटरव्यू के बाद लोगों का गुस्सा देखकर वह माफी तो मांग लेता है, पर लोगों में आक्रोश बहुत ही ज्यादा रहता है। वहीं दूसरी तरफ काफी साहस करके आर्थर एक लोकल क्लब में स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करने जाता है। वह सोफी को भी इनवाइट करता है और वह भी उसके साथ चली जाती है। लेकिन जब वह स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस देने लगता है, तब उसके बीमारी के कारण उसे स्टेज पर हंसी आ जाती है और बस वह जोर जोर से हंसने लगता है और जोक भी सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाता, जिसके कारण वह शो फ्लॉप हो जाता है। बट सोफी उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय करती है एंड वह शाम आर्थर की सोफी के साथ रोमांटिक गुजरती है। घर आने पर वो देखता है कि पैनी ने फिर एक लेटर लिखा है जो थॉमस वेन के लिए है, जो कि आर्थर पढ़ लेता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि थॉमस उसका पिता रहता है। पैनी ने इतनी बड़ी सच्चाई उससे छुपाई थी, इसलिए वह अपनी माँ के ऊपर बरस पड़ता है। तब पैनी उसे पूरी कहानी बताने लगती है कि जब वह थॉमस वेन के घर पर काम करती थी, तब थॉमस और पैनी एक दूसरे के प्यार में थे, तभी आर्थर पैदा हुआ था। लेकिन थॉमस की इमेज के लिए यह सही बात नहीं होती, इसलिए थॉमस और उसकी टीम पैनी से कुछ पेपर साइन करा लेते हैं और उसको गॉथम शहर में उसके बेटे के साथ छोड़ देते हैं। यह सुनने के बाद आर्थर को एक शॉक लग जाता है कि उसका बाप इतना बड़ा और पावरफुल आदमी है और उसने अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बेटे को शहर में ऐसे ही छोड़ दिया। अगले दिन आर्थर वेन के घर पर जाता है ताकि वह अपने सवालों का जवाब ले सके, और वह गेट पर थॉमस के बेटे ब्रूस से मिलता है, जिसको वह कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाता है। लेकिन तभी वहां पर आता है अल्फ्रेड, उनका फैमिली बटलर, और सामने वाला इंसान आर्थर होता है, पेनी का बेटा। यह समझने के बाद अल्फ्रेड उसकी इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी माँ पागल थी, उसका और थॉमस का कोई अफेयर नहीं था, तुम्हारी माँ को सिर्फ पैसे चाहिए थे।
ऐसे ही कड़वी बातें सुनाता है जिस पर आर्थर दुखी होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही हर तरफ से आर्थर को सिर्फ इंसल्ट और ह्यूमिलेशन ही मिल रहा होता है। दूसरी तरफ पुलिस को ट्रेन मर्डर के लिए आर्थर पर शक होता है, इसलिए दो पुलिस वाले उसके घर जाते हैं पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहां पर आर्थर नहीं मिलता। तो वे उसकी माँ से पूछताछ करते हैं। पैनी की कंडीशन ऑलरेडी कमजोर होती है और पुलिस के पूछताछ के बाद पैनी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है। थैंकफुली आर्थर सही समय पर घर पहुंच जाता है और वह पैनी को हॉस्पिटल लेके जाता है। वही हॉस्पिटल में आर्थर अपनी माँ के बेड के पास बैठा रहता है और सामने टीवी में फ्रैंकलिन का कॉमेडी शो चल रहा होता है। आर्थर उसे देखने लगता है, लेकिन उस शो में आर्थर के ही स्टैंड अप कॉमेडी का वह क्लिप दिखाया जाता है जहां पर वह पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर गया था और पागलों की तरह हंस रहा था। यह क्लिप ऑडियंस को दिखाते हुए मोरे आर्थर का काफी मजाक उड़ाता है और फिर कहता है कि कहां कहां से लोग आ जाते हैं कॉमेडियन बनने के लिए। इन लोगों को लगता है कि एक दिन वह मेरे जैसा बनेंगे और वह क्लिप दिखाने लगता है। यह इंसल्ट आर्थर के मन पर बड़ा घाव कर देती है, क्योंकि बचपन से फ्रैंकलिन को अपना आदर्श माना था और आज उसी के हाथों उसकी इंसल्ट होती है। आर्थर के साथ सोसाइटी इसी तरीके से बुरा बर्ताव करती रहती है। अगले दिन हम देखते हैं थॉमस वैन एक इवेंट में अपनी वाइफ और बेटे के साथ होता है और बाहर लोग उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं। आर्थर चोरी से बैक गेट से अंदर चला जाता है और थॉमस जब वॉशरूम गया होता है तब वह भी उसके पीछे वॉशरूम चल देता है। वॉशरूम में वह उसे बताता है कि वह उसका और पैनी का लड़का है। आर्थर को लगा अपने बेटे को सामने देखकर थॉमस उसे गले लगाएगा, उसे प्यार के दो शब्द कहेगा जो कि इस समय उसे किसी से चाहिए थे, लेकिन अपने बेटे को गले लगाने के बजाय थॉमस उसकी इंसल्ट करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। इस पर आर्थर काफी भड़क जाता है और कहता है कि तुम अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग सही तरीके से बात नहीं कर सकते लोगों से। लेकिन इन रिटर्न थॉमस वापस उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारी माँ मेंटली स्टेबल नहीं थी, इनफैक्ट वह तुम्हारी माँ भी नहीं थी, उसने तुम्हें अडॉप्ट किया है और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम अभी स्टेट हॉस्पिटल जाकर देख लो। अगले दिन आर्थर स्टेट हॉस्पिटल चला जाता है। वहां पर उसे उसकी माँ के रिकॉर्ड्स के बारे में पता चलता है जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं और उसे नहीं दिखाए जाते, इसलिए वह उन्हें चुरा कर भाग जाता है। जब वह रिपोर्ट पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह एक अडॉप्टेड चाइल्ड है, पैनी उसकी असली माँ नहीं है, उसने आर्थर को बचपन में अडॉप्ट किया था। आगे रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि पैनी की मेंटल हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह अक्सर छोटे आर्थर की अच्छी केयर नहीं करती थी, वह बच्चे को हमेशा इग्नोर करती थी। इसी कारण पैनी का जो बॉयफ्रेंड था वह छोटे आर्थर को फिजिकली अब्यूज करता था, उसे मारता पीटता भी था। उसी दौरान आर्थर के दिमाग में बहुत गहरी चोट आई थी। यह सारी हकीकत आर्थर को ज्यादा शॉक करती है। उसे रियलाइज होने लगता है कि उसकी कोई पहचान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसके माँ बाप कौन है। चीजें सहन करने की और इंसल्ट सहन करने की सीमा उसने पार कर दी थी। वह गुस्से में हॉस्पिटल चला जाता है और वहीं पर अपनी माँ को मार डालता है। फिर वह सीधे सोफी के घर जाता है उसे बिना बताए। इस पर सोफी डर जाती है और उसे घर से निकलने के लिए कहती है। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि इन दोनों की जो रोमांटिक डेट थी और जो भी पल इन्होंने साथ बिताए थे वह सब आर्थर की इमेजिनेशन होती है, उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था, दोनों की तो कभी बात ही नहीं हुई थी। उसके बाद वह अपने घर चला आता है और खुद को फ्रीज में लॉक कर देता है। अगले दिन उसे फोन आता है मूरी शो से। मूरी ने जो क्लिप प्ले की थी इसके स्टैंड अप कॉमेडी की, वह काफी पॉपुलर हो गई होती है, इसलिए उसे शो पर इनवाइट किया गया है। आर्थर काफी खुश हो जाता है और इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं धीरे धीरे आर्थर अपने असली रूप में आने लगता है। उसे माँ के मरने का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उसका कहना था कि उसकी लाइफ ट्रेजेडी नहीं कॉमेडी है, यानी कि उसकी लाइफ मजाक बन के रह गई है।
फिर हम देखते हैं कि उसे जिस दिन लाइव शो पर जाना रहता है वह दिन आ गया रहता है। तभी उसके दोस्त यानी कि एक्स कलीग्स ब्रैंडल एंड गैरी उसे मिलने उसके घर पर आते हैं, लेकिन वह उसी वक्त रैंडल को उसके घर में ही मार डालता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसने उसे झूठ बोलकर फंसाया था। वहीं वह गैरी को छोड़ देता है क्योंकि गैरी हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करता था। फिर वह अपने जोकर का मेकअप करने लगता है, उसका जो आउटफिट है वह पहन लेता है और काफी खुश होकर डांस करने लगता है। वह घर से निकलते ही स्टेयरकेस पे भी डांस करने लगता है काफी खुशी से, लेकिन तभी जो दो पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे होते हैं वो उसके पीछा करने लगते हैं। आर्थर यह भांप लेता है और वह वहां से भागने लगता है और एक ट्रेन में घुस जाता है। इस ट्रेन में सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, सबने जोकर का मास्क पहन रखा था। उसी ट्रेन में वह दोनों पुलिस वाले भी घुस जाते हैं और उसी अफरा तफरी में एक पुलिस वाले के हाथों एक आदमी मारा जाता है, जिस पर क्राउड पुलिस को काफी मारने लगती है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और लोगों में दंगल शुरू हो जाता है, आर्थर वहां से निकल जाता है और सीधे स्टूडियो पहुंच जाता है। मूरी से रिक्वेस्ट करता है कि कैन यू इंट्रोड्यूस मी एज अ जोकर, क्योंकि मूरी ने उसे एज अ जोकर चिढ़ाया था। लाइव शो शुरू हो जाता है और फिर उसे जोकर कहकर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर जब वो एंट्री होती है शो में तो मूरी उससे सवाल पूछने लगता है, जिसके आर्थर धीरे धीरे अपने असली चेहरा दिखाना शुरू करता है। वह शो पर थॉमस वेन को बुरा भला कहने लग जाता है। वह बोलता है कि कैसे सोसाइटी ने एक दिमागी पेशेंट को तोड़ दिया और कैसे उसको बुरी तरीके से ट्रीट किया। हमेशा आर्थर को बुली किया गया और वह सारी कंप्लेंट लाइव टीवी पर बताता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने किस तरीके से 3 लोगों को ट्रेन में मार डाला। उस पर मूरी बोलता है कि तुम सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम डिप्रेस हो, क्योंकि तुम्हें अब सजा से बचना है। तब वह मूरी को कहता है कि सबसे घटिया इंसान तो तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मानता था, तुम्हें देखकर ही मैं कॉमेडियन बनना सीखा। तुमने क्या किया, तुमने अपने शो पर मेरा मजाक बनाया मेरी क्लिप दिखाकर, और अभी भी तुम मेरा मजाक बनाने के लिए मुझे यहां पर बुलाए हो। और इसी गुस्से में आर्थर लाइव टीवी पर मूरी को शूट कर देता है। अमीरों की जगह पर सब बम फेंक रहे थे या फिर शूटिंग कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में थॉमस वैन, उसकी पत्नी और उसका बेटा ब्रूस एक इवेंट पर गए रहते हैं। आतंक देखकर थॉमस अपनी फैमिली को पीछे के दरवाजे से लेकर बाहर भाग रहा होता है, लेकिन वहां पर एक रिबेलियन आता है उनका पीछा करते करते, और छोटे ब्रूस के सामने उसकी मां मार्था और पिता थॉमस वैन को मार डालता है। ब्रूस के ऊपर एक गहरा घाव हो जाता है अपने माता पिता को सामने ऐसे मरता देखकर, और ऐसे ही जन्म होता है बैटमैन का। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टूडियो से आर्थर को लेकर जाती है और तभी रास्ते में प्रोटेस्टर का एक ग्रुप आकर उनकी कार को क्रैश कर देता है और आर्थर को फ्री कर देते हैं। पूरा क्राउड उसके आगे झुक जाता है। आर्थर अपना फेवरेट डांस उनके सामने करने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस फिर से आती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वहां से उसे मेंटल असाइलम में डाल देती है। मेंटल असाइलम में एक दिन साइकाइट्रिस्ट के साथ उसकी अपॉइंटमेंट रहती है। उसे देखकर आर्थर फिर से पागलों की तरह हंसने लगता है। तो वह साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि मुझे भी जोक सुनाओ, तो आर्थर कहता है कि तुम्हें जोक समझ में नहीं आएगा, और फिर वह उसे भी मार डालता है। और फिर वह वहां से हॉस्पिटल में यहां वहां भागने लगता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ फैक्ट्स की। पहली, अमीरों की चाल मां के प्यार से भारी पड़ी। आर्थर की मां पैनी उसे सच बोल रही थी कि वह थॉमस और उसका बेटा है, बट थॉमस अपनी सोसाइटी में इमेज बचाने के लिए झूठी अडॉप्शन के कागजात बना देता है और पेपर पे साबित भी कर देता है कि पैनी पागल है। और ये सच्चाई तब सामने आती है जब आर्थर अपने माँ को मारने के बाद घर पे उसकी चीजें समेट रहा होता है, और तब उसको उसकी माँ की एक फोटो दिखाई देती है यंग वक्त की,
उस फोटो के पीछे लिखा होता है आई लव द वे यू स्माइल और उसके नीचे सिग्नेचर पे लिखा होता है TW यानी थॉमस वैन। दूसरी आर्थर सोफी की लव स्टोरी। आर्थर अपने रियल और इमेजिनरी लाइफ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता और उसे पता नहीं चलता क्या उसके साथ रियल में हो रहा है और क्या इमेजिनरी। पूरी फिल्म में वह सोफी से लिफ्ट में ही मिलता है, उसके बाद उसकी और सोफी की कोई मुलाकात नहीं होती।